हेडलाइन पर, वेदांता के प्लॉट के पास संघर्ष सुरक्षा कर्मी को जिंदा जलाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा कोई गठबंधन, अमीरों के होते हैं चौकीदार, प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के वेदांता प्लॉट में नौकरी की मांग पर हिंसक झड़प, सुरक्षा कर्मी को जिंदा जलाया, दो की मौत। कालाहांडी में जिले में वेदांता एल्यूमिनियम रिफाइनरी के पास हुए संघर्ष में भीड़ ने एक सुरक्षा कर्मी को जिंदा जला दिया, वही प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। नौकरी की मांग कर रहे स्थानीय लोगों ने सोमवार को रिफाइनरी परिसर में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद संघर्ष भड़क गया। तमिलनाडु के तुतीकोरन में भी वेदांता समूह की कंपनी स्टारलाइन में भी कुछ ऐसी हिंसक हुई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि झड़प में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना को की खारिज। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है, अब गठबंधन में कोई गुंजारिश नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल रॉय ने कहा कि दिल्ली सभी 7 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की अब कोई संभावना नहीं है। अमीरों के होते हैं चौकीदार, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के महासचिव और पूर्वी उत्तर के प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार से प्रयागराज से बोट यात्रा के जरिए अपने चुनाव का मिशन का आगाज शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तर्स कसते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के नहीं बल्कि अमीरों के चौकीदार होते हैं। आज देश में किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। बता दें कि रविवार को पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गजों ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज से वाराणसी तक चुनाव यात्रा का सांची बात प्रियंका के साथ नाम दिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब के लिए धन्यवाद।